मेरे साथ इस वक्त कीर्ति सिंह जी बैठी हुई हैं, बैडमिंटन की बहुत बड़ी खिलाड़ी रह चुकी हैं और नेशनल लेवल तक इन्होंने खेला है और अभी इस वक्त जो प्रेजेंट में है ड्रीम फाउंडेशन एक एनजीओ है, वो लोगों के लिए सामाजिक कार्य करता है, उसकी मेंबर भी हैं और गुड़गांव बैडमिंटन एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं और इनका एक हरियाणा में खादी ग्राम उद्योग यूनिट भी है और इस वक्त बीजेपी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पर आए थे, स्वच्छता पखवाड़ा हो रहा है 10 अक्टूबर को आज यहाँ पे विधायक जी भी आए थे, तो वहीं कीर्ति सिंह जी भी अपना योगदान इसमें दे रही थी, तो उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं कि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसके बारे में कुछ पूछ लेते हैं। कीर्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दबंदे भारत में। तो आप हमें स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में, जो स्वच्छता अभियान मोदी जी चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सो मच। जो ये स्वच्छता पखवाड़ा है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया है, इससे हम लोग बहुत मोटिवेट हो रहे हैं कि हम जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ जाके हमें देखने को मिलता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई है और यहाँ पे हम लोग अगर अपने कंट्री में देखते हैं तो यहाँ पे जगह जगह अगर हम अपनी गंदगी देखते हैं कि भी जगह जगह जो फैली हुई है उसको साफ करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को खुद को ही एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये आज जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसमें हमें यही समझाया गया कि भाई हम पहले खुद अपने आप को स्वच्छता अभियान में लगाएं ताकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको समझा सकें कि पहले हम अपना एरिया साफ करें, उसके बाद आगे का एरिया जब साफ होगा, जब हम अपना खुद का एरिया साफ करेंगे। जैसे हम कूड़ा देखते हैं, वो कई जगह ऐसा देखने को मिला कि गाय खा जाती है तो उससे उनके लिए पॉइजनस हो जाता है और वो बहुत सारी गायें वगैरह मर जाती है, तो कोई और एनिमल कोई भी खाता है तो उससे भी उन लोगों को नुकसान होता है। दूसरा, डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को, प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और हर बंदे को बढ़ाना चाहिए। मैंने सुना है कि आप खादी ग्राम उद्योग जो हरियाणा का है वो भी यूनिट है आपको, उसके बारे में बोलना। हाँ जी, खादी ग्राम उद्योग में मैंने अभी, मुझे 1.5 साल हुआ है और उसमें हम लोग जो गांव की महिलाएं हैं उनको हम रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं और गांव में आसपास के जो लोग हैं उनको रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो खादी के अंदर जो धागा बनता है, वो खादी का धागा भी सूत से बनता है जिससे गांव के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग खादी का एक वस्त्र भी हर बंदा पहनता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने गाइड भी किया था और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, ये सारा जो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है उसको देखते हुए आज की डेट में इंडिया का हर बंदा खादी पहनना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने ही लोगों की मदद करेंगे और उससे फिर अपने ही देश का नाम उससे रोशन होगा। तो खादी में हम लोग डिज़ाइनिंग्स वगैरह पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि नए डिज़ाइंस जिसमें हम जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर है या इस तरह की बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इनके कंपटीशन में हम लोग आना चाहते हैं ताकि हमारे देश के खादी का नाम इनसे ऊपर, सारी कंपनीज से ऊपर जाए। अपने साथी खिलाड़ियों के लिए आप कुछ, जैसे क्योंकि आप नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके बैडमिंटन की बहुत बड़ी, तो अपने साथी खिलाड़ियों के लिए कुछ आपने सोचा है? हाँ, हम लोग अभी गुड़गांव के अंदर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आसपास काफ़ी सारे बहुत सारे बैडमिंटन सेंटर्स बने हैं, तो हमारी कोशिश है कि गुड़गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, अच्छे से अच्छे उनको मतलब इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं और साथ साथ जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आज की डेट में इंडिया का बच्चा जा रहा है, बैडमिंटन का बच्चा जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि गुड़गांव के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए, क्योंकि आप तो खिलाड़ी थे, बैडमिंटन खिलाड़ी थे, तो पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? पॉलिटिक्स में एक्चुअली मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ तो मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स दोनों जैसे क्लास वन ऑफिसर रहे हैं, तो मैंने उनको देखा है कि वो समाज की एक तरह से सेवा ही करते थे, तो क्योंकि दोनों एजुकेशन में थे, मेरी मदर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रही हैं, पापा प्रिंसिपल रहे हैं, तो मैंने उन लोगों को देखा है कि भी वो समाज के लिए बहुत करते थे।
तो उनको देख के बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि मुझे भी कुछ करना है। तो मैं अपनी सोसाइटी में 3 साल से भी प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ अपनी सोसाइटी में मैं लोगों के लिए करती हूँ। और जैसे हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, तो उनको अभी हमने सोसाइटी में उनको खाना प्रोवाइड किया था लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, और 100-200 मजदूर थे, उनको खाना वगैरह रोज़ हम प्रोवाइड करवाते थे। साथ में उनको मास्क वगैरह प्रोवाइड कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई, ताकि अच्छा लगता है कि लोगों को मतलब कुछ हम मदद कर सकें। हर किसी को थोड़ी हेल्प अपनी तरफ से करनी चाहिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि पॉलिटिक्स में यही है कि समाज की सेवा कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुझे ड्रीम फाउंडेशन का मेंबर भी बनाया गया, और मुझे इस संस्था के बारे में जानकर बड़ा खुशी हुई कि ये विकलांगों की सेवा करती है। और COVID-19 के टाइम में इस संस्था ने बहुत सारे मास्क और सैनिटाइज़र लोगों को बांटे, खाना बांटा ज़रूरतमंद लोगों को। तो इस तरह से हम लोग समाज की मदद करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि समाज का, हमारा ही समाज आगे बढ़ेगा। और आज मुझे ये मास्क भी ये ड्रीम फाउंडेशन ने प्रोवाइड किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे आपके चैनल का जो नाम है द वंदे भारत, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऐसा लगता है कि ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें एक अपनेपन की एक फीलिंग है जो मेरे को फील हुआ नाम देख के। तो आई विश द वंदे भारत जो चैनल है आपका, ये बहुत अच्छा जाए, आगे जाए, प्रोग्रेस करे। तो ये हमारे साथ है कीर्ति सिंह जी, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और अभी ड्रीम फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। आगे बहुत से लोग जो खेल में थे पहले फिर राजनीति में आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो द वंदे भारत की टीम भी कीर्ति सिंह जी को काफ़ी शुभकामनाएँ देती है कि वो आगे चल के समाज की सेवा करें, बीजेपी से जुड़े, लेकिन समाज की सेवा साथ साथ बहुत अच्छे से निभाएं। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, द वंदे भारत, हरियाणा।